सो गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस आज है डे 5 ब्लॉग 5। तो आज की वीडियो में क्या आएगा भी, मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह करना है, 12 बज चुके हैं, थोड़ा लेट हो गया अभी उठना। उसके बाद जाना कटिंग करवाने, ये साइड के बाल बहुत ज़्यादा बड़े हो गए हैं, कटिंग कराने जाएंगे फिर देखते क्या क्या होता है। सो गाइस अभी थोड़ा पढ़ लेते हैं यार, क्योंकि 25 तारीख को मेरा एग्ज़ाम भी है यार DU का। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ एडमिट कार्ड निकलवाने, क्योंकि मेरा 25 तारीख को पेपर है, आज 23 है ना, तो एडमिट कार्ड निकलवाने जा रहा हूँ। तो अभी मैं साइबर कैफे जा रहा हूँ। सो गाइस अपना काम हो गया साइबर कैफे से। ये देखो, ये मेरे यहाँ पे लग गया ना, इस पर थंब ग्रिप लगाना था। गाइस फाइनली घर आ चुके हैं, देखो घर के बाहर कौन बैठा हुआ है, आराम से सो रहा है। सब घर आ चुके हैं, थोड़ा 5-10 मिनट रुकते हैं, फिर पढ़ाई स्टार्ट करते हैं दोबारा। गाइस टाइम हो गया, 4 बज गए हैं, पढ़ाई हो गई है, अब करेंगे लंच क्योंकि भूख लग रही है। भाई मैं तो राजमा चावल ही खाऊंगा क्योंकि मेरे फेवरेट हैं। जिस दिन हमारे घर राजमा चावल बनते हैं ना, अगर रात को जिस दिन बने रात को, उस दिन भी राजमा चावल खाए, फिर अगले दिन सुबह सुबह परौंठी के साथ राजमा चावल खाए, फिर दोपहर को फिर राजमा चावल, मतलब राजमा चावल इज लव। देखना उधर उस साइड गए, बंदर आ गए थे यार यहाँ पे, सारे डर गए, सबने गेट वेट बंद कर लिया। तो गाइस अपना लंच आ चुका है, लंच करते हैं फिर नहाएंगे क्योंकि 7 बजे ट्यूशन भी जाना है। गाइस अपना लंच हो गया, बस थोड़ी देर रुक के नहा लेंगे, तैयार हो गए। सो गाइस नहा धो के मैं बाहर आ चुका हूँ, बस रिकॉर्ड पहनते 6 बज चुके हैं, फिर चलते हैं ट्यूशन। सो गाइस फाइनली मैं रेडी हो चुका हूँ, बस अब 6:20 हो गए हैं, 7 बजे ट्यूशन है, फिर निकलते हैं। गाइस आज भी मैं छत पे आ चुका हूँ और आज भी बहुत बढ़िया मौसम है। ये बादल देखो यार, ओ भाई, बाकी ये देखो। सो गाइस मैं घर आ चुका हूँ, अभी देखते हैं भूख लग रही है, कुछ खाने जाएंगे। गाइस अभी मैं जा रहा हूँ तिलानगर, क्योंकि घर पे गोलगप्पे मंगवाए हैं, गोलगप्पे लेके आने हैं, तो चलते हैं। मैं तो अपने खाऊंगा, बाकी घर के लिए पैक करवा लूँगा। तो गाइस ले लिया, अब चलते हैं घर। सो गाइस फाइनली घर पहुंच गए, देखते हैं अब टाइम होगा, 10 बज गए, 10 मिनट आएंगे। गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30 बज चुके हैं, हमारे घर बनी है ऊपर दाल, येलो वाली दाल, जो मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, सबसे मेरे को बेकार लगती है येलो वाली दाल। तो मैं अपने लेने जा रहा हूँ, मैं अशोकनगर जा रहा हूँ क्वालिटी ढाबा, दाल मखनी बटर नान लेने जा रहा हूँ आज मैं, ठीक है। मेरा भाई आ रहा है, उससे स्कूटी में चलते हैं। देखो चिपकरी। क्वालिटी ढाबा पर भीड़ बहुत ज़्यादा है यार, कम से कम नाना करते आधा घंटा लग जाएगा मुझे लग रहा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है। ऐसे हमने मोजीटो के लिए पर्ची कटा लिया, पैसे वैसे दे दिए, यहाँ पे भैया ही नहीं है, अब 5 मिनट हो गए हैं खड़े खड़े, देखते हैं अब कितना वेट करना पड़ेगा। भैया आ चुके हैं, 10 मिनट लगा चुके हैं, हमारी प्यास बुझा चुके हैं। भैया आपको पता है मैं फेमस कर रहा हूँ आपको, फेमस कर रहा हूँ आपको, फेमस नहीं करूँ, पूरे 50 लोग देखते हैं मुझे, पूरे 50 लोग नहीं बनाऊँ, इसे पिला दो दे फिर। ठंडी नहीं है ना, कम आइस वाली पकड़। ये देखो गाइस हेल्प हो रही है, इधर गाड़ी बंद हो गई है, अच्छी बात है, हेल्प करो सबकी। स्कूटी वूटी लगा दी है, अब ऊपर जाके खाना खाएंगे। सो गाइस अपने खाना आ गया, दाल मखनी बटर नान, प्याज चटनी।
जो पन्ने होते नहीं पूरे करते बहुत।